हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 46 वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आई है और इस नोटिफिकेशन की एडवर्टीजमेंट डिटेल अपन स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ दोस्तों, ये सारी 46 वैकेंसियां जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसियां हैं। इन सभी पोस्ट पे इनिशियली जितने भी कैंडिडेट यहाँ सिलेक्ट किए जाएंगे उनको एक साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा और बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप टू 3 इयर्स यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ दोस्तों, इन सभी 46 वैकेंसियों को 13 अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, जिसमें जो सबसे पहली कैटेगरी में जो पोस्ट है वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की, यहाँ पे कुल 8 वैकेंसियां हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पे कुल 6 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पे कुल 3 वैकेंसियां हैं। माइनिंग इंजीनियर के लिए यहाँ पे कुल 4 पोस्ट हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए यहाँ पे कुल 4 वैकेंसियां हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पे कुल 4 वैकेंसी है। मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर की यहाँ पे कुल 3 वैकेंसी हैं। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए कुल 2 वैकेंसी हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की यहाँ पे कुल 4 वैकेंसी हैं। एचआर ऑफिसर के लिए यहाँ पे कुल 2 वैकेंसी हैं। कंपनी सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे कुल 1 वैकेंसी है और राजभाषा अधिकारी के लिए यहाँ पे कुल 1 वैकेंसी है और सबसे लास्ट 13वीं कैटेगरी में यहाँ पे लीगल ऑफिसर के लिए कुल 4 वैकेंसियां हैं। और यहाँ दोस्तों, इन सभी कैटेगरी में जितनी भी वैकेंसियां निकाली हैं उन सब में जो अपर एज लिमिट रखी गई है हर एक पोस्ट में, वो 35 साल तक के सभी कैंडिडेट इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ दोस्तों, जो क्रूशियल डेट रखी गई है आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस जिसके अकॉर्डिंग यहाँ काउंट किया जाएगा वो 30 जून 2021 रखी गई है। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे इन सभी पोस्ट पे आपकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। यहाँ सबसे जो पहली पोस्ट थी वो थी प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने डिग्री कर रखी हो केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर कैंडिडेट ने यहाँ पे MSc केमिस्ट्री कर रखी है, साथ ही यहाँ कैंडिडेट को 2 साल का कंसर्न फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ प्रोडक्शन इंजीनियर की इन सभी वैकेंसियों के लिए एलिजिबल है। मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट पे कैंडिडेट ने यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी हो, साथ ही यहाँ कैंडिडेट को 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इस मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सिविल इंजीनियर की पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है, कैंडिडेट को यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इस सिविल इंजीनियर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग इंजीनियर की पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी हो माइनिंग में फर्स्ट क्लास से पास और कैंडिडेट को यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में और कैंडिडेट को यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है, कैंडिडेट को यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है या फिर कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है मटेरियल मैनेजमेंट का आफ्टर ग्रेजुएशन और साथ ही कैंडिडेट को यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने MBA मार्केटिंग कर रखी है और कैंडिडेट को 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप मार्केटिंग ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने CA, ICWA या MBA फाइनेंस कर रखी है और कैंडिडेट को यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। HR ऑफिसर की पोस्ट के लिए वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे MBA कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई डिप्लोमा कर रखा है HR में, पर्सोनल मैनेजमेंट में, लेबर वेलफेयर में या IR में और कैंडिडेट को यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे HR ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास मेंबरशिप हो यहाँ पे ICSI की और कैंडिडेट को यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप कंपनी सेक्रेटरी की इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। राजभाषा अधिकारी की पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो इंग्लिश में और ग्रेजुएशन में हिंदी उनके पास एज ए सब्जेक्ट हो एंड वाइस वर्सा और कैंडिडेट को यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप राजभाषा अधिकारी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और लीगल ऑफिसर की पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 3 या
पांच साल की एलएलबी की डिग्री कर रखी है, कैंडिडेट को यहाँ पे दो साल का कंसर्न फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप लीगल ऑफिसर की इन सभी वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ दोस्तों एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में पांच साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को यहाँ पे अपर एज लिमिट में तीन साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। इन सभी पोस्ट पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। यहाँ जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे इन सभी पोस्ट के लिए उनकी जो गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे यहाँ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 1 जून 2021 से और आप 30 जून 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की। इन सभी पोस्ट पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका जो फिक्स रेमुनरेशन रहेगा वो 25,000 रुपए महीना रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे कैंडिडेट को 5,000 रुपए मंथली एचआरए दिया जाएगा और उसके अलावा भी यहाँ कैंडिडेट को कुछ अदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे जिनकी सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, यानी जितने भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो बिना किसी फीस पेमेंट के इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें।